अस्सलाम वालेकुम, हम पहुंच गए हैं। ये देखिए क्या ग्राउंड का हाल कर रहे हैं, पता नहीं क्या बना रहे हैं, कितने सालों में बनेगा और कितने सालों में उखड़ेगा। यहाँ बेचारे बच्चे खेल ही नहीं रहे, वही छोटी सी जगह पे रोज़ाना। अच्छी धूप हो रही है, अभी तो अरसा हो गया हमें इस धूप में बैठे हुए, वरना रोज़ बैठने को मिलता था। भी आग पकड़ लीजिए भाई, इसको खोलेंगे ना आप, हल्की सी आवाज़ ऐसी महसूस हो रही होगी ना आपकी। और अगर एडिशन हो गया भाई हमारे घर में मुबारक का, अच्छा चूल्हा भी गया। अभी चाय रिक्शे वाले इतने अच्छे थे, वो मुझे लेके गए। अब हम बनाएंगे इस पे अंडा, मेरे बेटे ने आज अंडा नहीं खाया तो अभी खाऊंगा, कल खा लेना। हाँ ठीक है, अंडा खोल लेना, लेकिन खाना पड़ेगा क्योंकि नहाए हो ना आज। अभी आई गैस, चेक करो बेटा, इससे करते हैं, इससे दिस वन मैं कर रहा हूँ, यूँ आ गई। देखा मैं खुद देखता हूँ। भाई साहब छोड़ दो, चूल्हा भी जलाना यहाँ पे इस लड़के को, जाओ ही किचन लेके जाओ, ये ना ये जल जाए बेचारी, आ जाए लगा दूंगी। चले तीन और ऐसी, आप पता है हम इसका क्या कर सकते हैं, हम इसको गैलरी में रख के खाना पका सकते हैं मज़े से, कहीं भी रख सकते हैं इसको क्योंकि इस पर चूल्हा लगा हुआ है, कहीं हम पिकनिक पे जाए ना वहाँ भी ले जा सकते हैं। ओके आके पी लिया जुशादा, मैं पी रही, दिखाओ कैसे काट जाए चीटर बना के, वो मेरे साथ जो है वो लोग खेलता है, चीटिंग करता है। आपने कार्ड सेट कर लिए पहले, अब देख ले आपने सेट किए हैं, अब मेरी किस्मत से आया दो ड्राफ्ट। ओहो हो, मेरी किस्मत में नहीं है, चलता भाई की किस्मत है, हल्की हल्की है खांसी है ना, बस वो से क्या नाम है, मां मैं बैठी रही हूं दो दिन, हमने चाय बना ली, नीचे गरम गरम पर घर छोटा उसका और नीचे आज लोग साथ आते हैं, गैस आई थोड़ी सी तो हमने चाय बनाई, जयान का अंडा बनाया, जयान ने अंडा खाया मेरी बेटी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? तो जी आज आपने देखा मैं पटेल पाड़ा भी होके आ गई, क्योंकि आज आज हम जब जयान आया स्कूल से तो पौने एक हो रहा था, तो गैस देखी आज बिल्कुल भी नहीं थी, फ्राइडे था वो, तो स्कूल जाने से पहले मैं स्कूल जब जा रहा होते तब मैं गर्म पानी कर लेती हूँ ताकि ये आके नहाए, अम्मी नहा लेती हैं दोपहर में। आज बिल्कुल भी गैस नहीं थी, आज हमने जो है वो बाज़ार से चाय मंगाई, बाज़ार से पराठे मंगाए दो, मैंने और अम्मी ने नाश्ता किया, और जयान को जो है वो न्यूटेला लगा के दी ब्रेड पे, आज उसको अंडा नहीं मिला खाने के लिए। तो आज मैं गई काम से बाहर, तो फिर रिक्शे वाले से पूछा कहाँ मिलेंगे सिलेंडर्स, का भी नहीं पता कहाँ मिलते हैं, तो बेचारे लेके गए, उनके रिक्शे में भी सिलेंडर लगा था, तो मैंने उन्हीं से पूछा, मैंने कहा मुझे बताएं प्लीज़, तो कहने लगे कि पटेल पाड़ा में मिल जाएंगे, मैंने कहा वो किस तरफ है, तो कहने लगे, उन्होंने बताया फिर मैं समझ गई, मैंने कहा चलें ज़रा देखते हैं क्या प्राइसेस के हैं, तो वहाँ गए, उन्होंने मुझे सिलेंडर दिलाया, 5 kg का है और उसके ऊपर ही चूल्हा लगा हुआ है, मतलब हमें कोई अटैचमेंट कराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो एक अलग खर्चा है कि आप वो फिर किसी को बुलाएँ और वो फिटिंग कराएँ, तो वो मसला ही रहता है, और फिर ये अच्छा है कि हम सिलेंडर जो है वो किचन में नहीं थोड़ी दूरी रख के जो है यूज़ कर सकते हैं आराम से, और जिस वक्त गैस नहीं आ रही उसी वक्त करना है जाहिर है, लेकिन अल्लाह का शुक्र एक सहूलत हो जाएगी। तो देखें जी कैसा गुजरता है, बहुत बुरे हालात है कराची के, बहुत बुरे हालात, अल्लाह माफ़ करे, मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या ज़िंदगी में होगा, कहाँ मुस्तकबिल जा रहा है, कुछ नहीं पता इंसान का। तो जी ये थी अपडेट, ज़िंदगी में मैं कहीं नहीं गई थी, मैं उर्दू बाज़ार कभी ज़िंदगी में नहीं गई, इस दफ़ा चली गई, फिर पटेल पड़ा, सिलेंडर्स कभी नहीं ख़रीदे, लास्ट टाइम भी हस्बैंड ने ख़रीदा हुआ था, इस बार मुझे खुद जाना पड़ा, तो लक पता जा रहा है कि मतलब क्या क्या चीज़ें करनी पड़ी हैं, और वो हम क्या बैकवर्ड जा रहे हैं, हमें आगे जाने के बजाय हम बैकवर्ड जा रहे हैं,
तो बस यही नौबत आ गई है कि हर किसी के पास मोस्टली सिलेंडर्स थे। आज भी इतने लोग नज़र आए जो अपनी बाइक्स पे शायद भरवाने के लिए लेके गए होंगे। तो जी बस दुआओं में याद रखिएगा, और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले। और ये है हमारी कराची की स्टोरी आजकल, तो देखें जी यही हालात हैं सबके। अल्लाह बचाए, अल्लाह ताला कुछ सुकून दे दे हमारी ज़िंदगियों में। आमीन आमीन। मिलेंगे किसी और व्लॉग में, किसी और क्या जयान कल स्पोर्ट्स है तो इंशाल्लाह वो कवर करके लाऊंगी। तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।